दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन बात करते हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी की वैकेंसी आई थी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ये कराई जाएगी। इसके अंदर लाइब्रेरी की पोस्टों के अंदर और इसके सिलेबस और अपने इसकी तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये एग्ज़ाम है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी की दो तरह की इसके अंदर पोस्ट है। एग्ज़ाम कौन करेगा? एग्ज़ाम करेगा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, इसका एग्ज़ाम कराएगी। और इसको अपन डीप के अंदर देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले इसकी पोस्ट है, देखते हैं पोस्ट है और फिर इसका एग्ज़ाम और एग्ज़ाम फीस, इसके संबंध में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले पोस्ट आती है अपने लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है। देखो लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है ये रही, और इसकी टोटल पोस्ट है 5। फिर दूसरी लाइब्रेरी की पोस्ट है यहाँ पर, दूसरी लाइब्रेरी की पोस्ट भी देख लेते हैं अपन, वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट। इसकी टोटल पोस्ट है 109 पोस्ट, 109 पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। कुल मिला के 109 और 5 पोस्ट अच्छी पोस्ट हैं, इसको कह सकते हैं अपन। और इसका एग्ज़ाम भी, सिलेबस भी बहुत ही बढ़िया दे रखा है। अपन इसके सिलेबस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, सिलेबस क्या है और इसके बारे में अपन देखेंगे। फिर अपन देखेंगे इसका अपन ऑनलाइन कोर्स फ्री के अंदर कैसे करा सकता हूँ मैं, इसके बारे के अंदर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके ऑनलाइन कोर्स की। पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस देख कर ही अपन को पता चल जाएगा ये चीज़ है। ये है लाइब्रेरी अटेंडेंट की सिलेबस, किसका? लाइब्रेरी असिस्टेंट का है, जो पहले 5 पोस्ट थी उसका। उसके अंदर दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर तो 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर लाइब्रेरी भी होगी और जनरल अवेयरनेस, वो भी इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पेपर है, वो भी लाइब्रेरी ऑटोमेशन और लाइब्रेरी अवेयरनेस से संबंधित होगी। दोनों के अंदर ही 150-150 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क का क्वेश्चन है। सेकंड वाला जो 150 क्वेश्चन है, वो 150 ही मार्क है, 150 मार्क के क्वेश्चन है। और फर्स्ट के अंदर 150 क्वेश्चन, 300 मार्क है। इस तरह टोटल हो गए 450 मार्क। फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है? तो इसके अंदर देखो, पहले लाइब्रेरी एक एक्यूटी है, जो 50 क्वेश्चन आएंगे लाइब्रेरी के क्वेश्चन है, जो लाइब्रेरी क्वेश्चन है इसको शॉर्ट में। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, मैथमेटिक्स 25, और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश इसके भी 25। कुल मिला के 150 क्वेश्चन, 300 नंबर के होंगे। इसके अंदर देखो लाइब्रेरी का सिलेबस बहुत ही सिंपल दे रखा है, सिंपल। लाइब्रेरी का नॉलेज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड डेवलपमेंट है, ये थोड़ा सा नॉलेज लाइब्रेरी का, ज़्यादा डीप के अंदर नहीं है। पहले पेपर का बात कर रहा हूँ मैं। फिर जनरल अवेयरनेस दे रखी है, रीजनिंग भी दे रखी है, और मेंटल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज दे रखी है, आपको जो भी लैंग्वेज चॉइस करना है उसकी। इसका सेकेंड पेपर है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड लाइब्रेरी अवेयरनेस, जिसके अंदर टॉपिक वाइज दे रखा है। इसके अंदर जो शुरू के 50 क्वेश्चन है, वो तो आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और 50 क्वेश्चन आपसे डिस्क्रिप्टिव, मतलब कुछ ना कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, उसके अंदर आपको थोड़ी से लिखना है। और ये वो 5 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? देखो 5 क्वेश्चन होंगे सेकंड सेक्शन के अंदर। ये सेकंड पेपर के दो सेक्शन हैं, पहला लाइब्रेरी के जिसके अंदर 50 क्वेश्चन, और सेकंड वाला है डिस्क्रिप्टिव है, जो 50 मार्क होगा और 5 क्वेश्चन होगा, और मेरिट इसकी इसी के आधार पर बनेंगी। मेरिट का भी इसके अंदर लिखा रखा है, सारे दे रखे हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं अपने, ये तो 5 पोस्ट वाली है, इसको आप ज़्यादा, लेकिन जो अटेंडेंट पेपर है वो सिंपल दे रखा है, एकदम सिंपल। ये देखो लाइब्रेरी अटेंडेंट का है सिलेबस, इसकी अपन विस्तार से चर्चा, और मैं तैयारी भी आपको इसी की वीडियो डाला, वो उसकी तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर बाकी वाला भी है पोर्सन। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले इसके अंदर एक ही पेपर होगा,
150 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का, और 300 मार्क के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और इसका सिलेबस देख लो आप, लाइब्रेरी वो भी है, लाइब्रेरी का 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज। जो उसका पेपर फर्स्ट है वही इसका पेपर, एक ही पेपर होगा इसके अंदर। और लाइब्रेरी पेपर एकदम इजी दे रखा है, देख लो इसके अंदर। लाइब्रेरी जो KVS का सिलेबस है उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। लाइब्रेरी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिकल और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक। जनरल अवेयरनेस देखे सिंपल है, रीजनिंग भी सिंपल दे रखी है, और मेंटल एबिलिटी थोड़ी आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा सा एलसीएम थोड़ा सा डीप है, टाइम वर्कर ये भी दे रखे हैं टेबल। और लैंग्वेज हिंदी के आप या इंग्लिश जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको चॉइस कर सकते हो। सिंपल सिलेबस है इसका, कोई ज़्यादा डीप के अंदर सिलेबस नहीं है। ऐसे मेरा ये सिलेबस आपको जो लाइब्रेरी साइंस का जो सिलेबस डाल रखा है मैंने, वही इसका सेम सिलेबस है। और उसको अब मैं डीप में देख लूँगा, बेसिक में आपको पढ़ा रखा है, आप उसके अंदर जाके देख सकते हो। आप सनरी क्लासेज है उसके प्ले लिस्ट में जाके, हर यूनिट वाइज उसके वीडियो डाल रखे हैं, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव, उस तरह ये यूनिट। इसके अंदर देखो सिंपल ये क्वेश्चन विल बी डिसीज इन द नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड डेवलपमेंट इन फील्ड और लाइब्रेरी साइंस इन द क्वेश्चन इन द ऑल द लाइब्रेरी साइंस के जो सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंट है वो उसके क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा डीप का तो सिलेबस नहीं है इसका, जो अपन ने मैंने पहले तराई वीडियो डाल रखे हैं मैंने उनमें से ही है। अब उसको अपन डीप हो कैसे ले जा सकते हैं, जिसके अंदर अपन को पढ़ना पड़ेगा डीप के अंदर जाके। और ये इसका सिलेबस था, मैंने सिलेबस इसकी चर्चा कर ली आपके, और पोस्ट थी उसकी भी चर्चा कर ली, और सिलेबस ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसके अंदर देखो क्या क्या टॉपिक है। 5 टॉपिक दे रखे इसने, टोटल 300-150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के। इजी है, ज़्यादा है नहीं। फिर अपन बात करते हैं इसके पीस की, तो पीस इसके हाई पीस दे रखी है इसके अंदर, बहुत ही हाई दे रखी है। फॉरम भी कैसे फील करते हैं वो भी नीचे दे रखा है, पीस इसकी बहुत हाई दे रखी है। और सेंटर आपको हर राज्य के, जिस राज्य से आप संबंधित हो उस राज्य के अंदर, लगभग हर राज्य के अंदर 4-5 सेंटर है हर राज्य के अंदर। फीस की बात करें इसकी, तो जो जनरल की फीस है वो तो 1000 रुपये है, और OBC के लिए 800 रुपये, OBC, EWS और फेमेल 800 रुपये, और SC ST के लिए अपन को देने पड़ेंगे 600 रुपये। फीस फीस की हाई रख दी इन्होंने, और पेमेंट आप इसका आराम से कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड और इसका हर सेंटर आपको वो टेंशन नहीं है, सेंटर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका जो देखो, जैसे हर राज्य के अंदर 4-5 सेंटर हैं हर राज्य के अंदर। जैसे राजस्थान की बात करूँ मैं, राजस्थान के अंदर जोधपुर भी दे रखा है, अजमेर भी दे रखा है, कोटा भी दे रखा है, इस तरह 4-5 सेंटर इसने राजस्थान में दे दिए। और हर राज्य की बात करें तो हर राज्य के अंदर ये दे रखे हैं इसका। और आपको फील फॉर्म भरने के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि नीचे इसके अंदर दे रखा है पूरा कैसे फॉर्म फिल करते हैं वो भी इसने दे रखा है, येरा फॉर्म दे रखा है। तो अपन इसकी तैयारी करेंगे इसकी, और इसको मैं अच्छी तरह पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि बेसिक तो मेरा कराया होगा, फिर भी उसको मैं एक बार रिवीजन ज़रूर करूंगा आपको बेसिक चीज़ से। तो ये थी अपनी आज, मैंने इसीलिए ये पूरा डाला है वीडियो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अपनी वीडियो इसके डालते रहेंगे लाइब्रेरी के, ताकि ये 1 महीने के अंदर मैं इसका पूरा कोर्स आपको फ्री का अवेलेबल करा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम फ्री करूंगा। आप बस मेरा सहयोग करते रहना, मैं एकदम फ्री के अंदर आपको इसका अवेलेबल करा दूंगा। ये मैंने लाइब्रेरी के लिए ही बनाया है। ये थी इसकी अपनी राष्ट्रीय एजेंसी, परीक्षा एजेंसी NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है ये। तो ये थी अपनी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी बेसिक जानकारी दे दी इस भर्ती के संबंधित। और मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।